हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू नहीं हुआ है। ये गेम प्ले पहले देखो, आप लोग पूरा देखना, उसके बाद आप लोग प्ले में मैंने प्लेयर का सेटिंग्स जो है वो पूरा ए टू जेड दिखाऊंगा। तो गाइस वीडियो को पूरा देखो तभी जाके काम करेगा। बहुत से लोग वीडियो को मिस कर देते एंड सेम टू सेम क्वेश्चन जो है बार बार मेरे को पूछते रहते, इसलिए मैं उनका आंसर नहीं देता बार बार। अगर वीडियो पूरा ही नहीं देखोगे भाई, मैं आंसर दे के भी क्या कर सकता हूँ। जो चीज़ आप लोग को चाहिए वो मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो उसको तो पूरा देखो गाइस। तो यही है गाइस, आप लोग को वीडियो पूरा देखना है गाइस। तो अभी यहाँ पे जो आप लोग गेम प्ले देख रहे हो, ये मेमो प्लेयर का लेटेस्ट वर्जन है। तो भाई कितना अच्छा सेटिंग्स है, आप लोग इस गेम प्ले को देख के ही पता चलेगा। तो गाइस गेम प्ले को एंजॉय करो, और गेम प्ले ख़त्म होने के बाद सेटिंग्स का वीडियो ओपी तरीके से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे गेम चैनल पे क्रिशाटो वाईटी पे, और मैं हूँ कृष्णा। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को मेमो प्लेयर पे सेटिंग्स दिखाऊंगा। लेटेस्ट वर्जन है गाइस ये मेमो प्लेयर पे, ये बहुत ही अच्छा सेटिंग्स है गाइस, बहुत ही नॉर्मल एंड सिंपल और भाई ओपी सेटिंग्स है। आप लोगों ने गेम प्ले तो देख लिया गाइस, अभी सेटिंग्स पूरा मैं बताऊंगा क्या क्या करना होगा। तो पूरा वीडियो देखो भाई, अगर आप लोग बीच में छोड़ के चले जाओगे तो भाई आप लोग का कुछ नहीं होने वाला भाई। जितना भी वीडियो बनाऊंगा मैं ऐसा, आप लोग का कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बहुत से बातें आप लोगों को कहता हूँ लेकिन बहुत से लोग मेरे वीडियो को पूरा नहीं देखते। आप लोग को लगता होगा मेरा वीडियो बोरिंग है, सही में मेरा वीडियो ज्यादा एंटरटेन नहीं है गाइस। मैं आप लोगों को बातों से एंटरटेन नहीं कर सकता, लेकिन जो आप लोगों का वीडियो देखते हो, लोग जो आप लोग को एंटरटेन करते हैं, जो मैं सेटिंग्स का वीडियो बनाता हूँ ऐसा कोई नहीं आप लोग को बना के देगा गाइस। तो आप लोग को एंटरटेन चाहिए और मेरा ये बोरिंग सेटिंग्स भी। तो भाई वीडियो को आप लोग लाइक कर देना गाइस, क्योंकि देखो मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग बिलीव नहीं करोगे गाइस, अभी कितना बजा है ये देखो, 5-6 बजने वाले हैं। तो मैं रात से पूरा मतलब मेहनत कर रहा हूँ एंड ये सेटिंग्स मुझ परफेक्ट सेटिंग्स है गाइस। सो आप लोग देखो भाई, मेहनत तो मैं भी कर रहा हूँ। सो आप लोग अच्छे से सपोर्ट दिखाओगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाओगे ना भाई, मैं टूट जाऊंगा गाइस। तो कभी ना कभी मैं ये काम जो है मुझे छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूं तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए गाइस, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो। तो बहुत से मेरे भाई है, मुझे बहुत ही अच्छा अच्छा कमेंट मतलब देखने को मिलता है गाइस, तो वो सभी कमेंट देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहो। तो गाइस बातें तो हो गई, तो आप लोग को मैं सेटिंग दिखाऊंगा। तो क्या करना है गाइस ए टू जेड। तो भाई लोग देखो, मैं जितना भी वीडियो में सेटिंग्स दिखाता हूँ मैं आप लोगों को पूरा तरीके से दिखाता हूँ, बाकी कोई आप लोगों को ऐसे तरीके से एक्सप्लेन ही नहीं करेगा। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं कोई भी यहाँ पे कोई भी सेटिंग्स फेटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज करता हूँ, जैसे कि थर्ड एप्लीकेशन टूल हो गए हो या फिर एप्स वगैरह कुछ भी नहीं। तो दोस्तों अभी मैं आप लोग को सेटिंग्स दिखाऊंगा मेमो प्लेयर का। सो मेमो प्लेयर का सेटिंग्स क्या रखना होगा, ए टू जेड सेटिंग्स दिखाऊंगा। तो पहले तो आप लोग को जाना है सेटिंग्स पे, यहाँ पे देखो। तो गाइस ये देखो, यहाँ पे जो है मैंने हाई रखा है, हाई जो मेरा सीपीयू कोर 4 है तो मैंने 4 रखा है, एंड रैम जो है इसको हाई रखा है। तो यहाँ पे आप लोग टॉप भी रख सकते हो, टॉप रखोगे तो रैम जो है फुल हो जाएगा। लेकिन पहले देखो आप लोग का, जो जब आप लोग ये वर्जन इंस्टॉल करोगे तो आप लोग का कितना जो रिकमेंडेड आता है। तो मेरा मीडियम आ रखा था लेकिन मैंने इसको टॉप का दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप लोग इसको बढ़ाते हो मतलब आप लोग का जो नॉर्मल है डिफॉल्ट है उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हो, उसके बाद गेम खेलते हो तो आप लोग का गेम मतलब लैग करता है, तो भाई कम कर दो, इसमें ही भलाई है, तो आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो जिनका भाई लो एंड स्पेक्स पीसी है, क्या बताऊं भाई, उनके लिए ये वाला आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन इससे भी आप लोग का लैग हो सकता है, क्योंकि ये मेमो प्लेयर पे थोड़ा अच्छा जो है आप लोग का प्रोसेसर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले सेटिंग्स है देख लो आप लोग, जो आप लोग का डिस्प्ले सेटिंग्स है वो आप लोग लगा देना, अगर नहीं है तो यहाँ पे कस्टमाइज कर देना गाइस। यहाँ पे मैंने टेबलेट ही रखा है। सो उसके बाद यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे प्रोफाइल पे मैंने आसूस रखा है, तो ये ब्रांड है और ये मॉडल नंबर है। अगर इसको आप लोग को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे मैं इसका ये लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से कॉपी करके पेस्ट कर देना गाइस।
तो यही है भाई मेमो प्लेयर का सेटिंग्स, जो मतलब हाँ मेमो प्लेयर का सेटिंग्स है। तो इन गेम सेटिंग्स क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो गाइस ये पूरा सभी फॉलो करना तभी जाकर अच्छे से काम करेगा। वीडियो कभी भी आप लोग स्किप मत करना भाई, बहुत से इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। बहुत से वीडियो पे बहुत से लोगों ने मिस कर दिया, लेकिन वो लोग सेम क्वेश्चन करते हैं, इसलिए मैं उनको उनका आंसर ही नहीं देता हूँ, क्योंकि भाई पहले ही सब कुछ बता चुका हूं मैं। तो यहाँ पे देखो गाइस, मस्ट बी जनरल को जो है आप लोग को 60 ही रखना है, जो मैं सेटिंग्स दिखाऊंगा। और रेड डॉट को आप लोग को 80 रखना है, एंड 2x को 73 और 4x को 44। तो गाइस आप लोग जब बैटल रॉयल खेलोगे इसमें थोड़ा आप लोग चेंजेस कर सकते हो 2x एंड 4x पे, लेकिन रेड डॉट एंड जनरल जो है परफेक्ट है गाइस। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को जाना है आप लोग का कस्टम एचडी। तो कस्टम एचडी पे मेरा कस्टम एचडी क्या है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो पूरा नॉर्मल है गाइस, ये ही रखना है आप लोग को, ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं। तो इसको सिर्फ मैंने इसको 10 रख दिया है गाइस, और जो ग्रेनेड का ये ग्लोबल का बटन है तो इसको मैंने 20 रख दिया है गाइस। और यहाँ पे जो फायरिंग का बटन है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो इसको जो है मैंने 10 कर दिया है गाइस। उसके बाद यहाँ पे देखो जो एडवांस है आप लोग को जो है स्टैंडर्ड मोड पे लेके आना है, स्मार्ट मोड पे नहीं, स्टैंडर्ड मोड पे जाना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो जो मेरा है ऐसे तरीके से आप लोग को रखना है, डिफॉल्ट है, ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं। और एक्स एंड वाई देखो गाइस आप मेरा जो है सेम है, 60-60 रखा है मैंने। अगर आप लोग इसको ज्यादा बढ़ाते हो, लाइक मीन 70 करते हो गाइस, तो अगर आप लोग इसको 70 करोगे, मीन समझ लो इसको आप लोगों ने 70 कर दिया, तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा कि यहाँ से जो है आप लोग का ये जनरल को जो है थोड़ा कम कर देना है, लाइक 20 करना है या फिर 41 पे करना है, ऐसे तरीके से आप लोग करना है अगर वाई आप लोग बढ़ाते हो तो। अभी तो मैं आप लोग को जो सेटिंग दिखा रहा हूँ उसको ही आप लोग पहले ट्राई करके देखो गाइस। अभी 60 रखो, देन उसके बाद इसको जो है इसको भी 60 रखना है गाइस, समझ गए ना आप लोग मेरे बात को। तो ऐसे तरीके से रखना है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखो एक माउस का बटन दिख रहा होगा, ये एक्चुअली सस्पेंड की है। अगर आप लोग का मूवमेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जो माउस ये स्टक हो जाता है ना, डब्ल्यू एस डी बीच में आ जाते हैं ना, तो वो हो जाता है, तो इसको दबाने का है सस्पेंड बटन, जैसे कि ब्लू स्टेक पे है ना सस्पेंड बटन, तो इस पे भी ऐसा ही है गाइज। तो आप लोग का जो की यूज करते हो सस्पेंड बटन के लिए वो आप लोग लगा देना। मेरा गेमिंग माउस है तो मैंने गेमिंग माउस का लगा के रखा है गाइज। तो आप लोग का नॉर्मल हो, नॉर्मल पे एक्स्ट्रा की नहीं है तो कीबोर्ड का की लगा देना, जो आप लोग के लिए कंफर्टेबल हो। तो गाइज सब कुछ मैंने दिखा दिया है कैसे क्या करना है, एंड क्या क्या मैंने दिखाया है यहाँ पे बताया है सब कुछ। आप लोगों को भी ऐसे करना है, स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बताया है वो ही सब कुछ करना है। तो भाई रात से मैं ये इसी पे काम कर रहा था और गेम प्ले खेल रहा था, कौन सा वाला परफेक्ट सेटिंग्स होगा, तो ये वाला मेरे को मिला परफेक्ट सेटिंग्स गाइज। तो रात से खेल रहा हूँ, अभी सुबह बज गए 6 बजे। तो अभी ये खत्म, रिकॉर्ड खत्म करने के बाद मैं एडिटिंग करूंगा, उसके बाद अपलोड करके मैं टाइम सेट कर दूंगा 5 बजे का शाम का। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय क्रिशियाटो गेमिंग।